इंडियनिक्स माहुनी थी सर, इस वक्त आपको लेकर आए जम्मू स्टेडियम और यहाँ पे एक जुम्मे ग्राम महोत्सव हो रहा है मित्रों, और जो कि बहुत सारे स्टूडेंट भाग लिए हुए हैं, जो कि टीआर नारायण स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, जितने भी अगर इंग्लिश मीडियम के बात करें तो आज चित्रकला जो कि बच्चों को दिखाना था किसका कैसा फेमस रहता है वो चीज़ आपको दिखाएंगे और कुछ हम तस्वीर आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। इधर दिखाइएगा जुम्मे ग्राम महोत्सव का कुछ तस्वीर नज़ारा आपको दिखाएंगे। तमाम स्टूडेंट लोग हैं जो कि भाग लिए हुए हैं और वो चीज़ आपको दिखाएंगे, क्या कुछ बना के दिखाएंगे स्टूडेंट वो भी दिखाएंगे। ये देखिए आपको लेके चला आए हैं और देखिए भाई साहब क्या क्या बनाए हैं। आप लोग कौन सा स्कूल से है भाई साहब? कौन सा स्कूल? ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। आई क्या बनाए हैं? ये न्यूरॉन। न्यूरॉन है? यस। कैसे बना लिया इसको बताइए कुछ। यस सर, सर ये न्यूरॉन है सर, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है सर। अच्छा। हमारे ब्रेन तक, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा मेरा आवाज़ आपके तक पहुंच रहा है कैसे? अच्छा। जैसे भी जो भी सिग्नल्स है वो आपको न्यूरॉन के मदद से ही पहुंच रहा है। न्यूरॉन के मदद से पहुंच रहा है ना? यस सर। अब पूरा मेहनत कितना दिन से, कितना देरी से तैयारी कर रहे थे इनका बनाने? सर 3 दिन से। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? ऋषि। क्या बनाया? ईश बनाया। यहाँ पे ये एयर पोल्यूशन के बारे में हम बताएं। चलिए आइए कुछ छात्रा से भी जानते हैं। देखिए अभी क्या नाम हुआ आप लोगों को? अंजलि साहु। आई बताइए आप क्या बनाए हैं, कौन सा स्कूल से? ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। अच्छा, ऑक्सफोर्ड से हैं? यस सर। क्या कुछ आप बना के दिखाए हैं? सर ये हमारे एग्रीकल्चर के बारे में है कि हम एग्रीकल्चर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा। इधर हम लोग बताए गए हैं कि जूम करके दिखाइए, ये विंड माइल है। अच्छा, ये विंड माइल है, इसको ऐसे ये चलता भी है। इससे क्या होता है ना, मतलब एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो प्रोड्यूस होती है ना वो हमारे एनर्जी से, जैसे पंप होता है पानी वगैरह जो हम लोग एग्रीकल्चर में लगता है या फिर फार्मिंग में लगता है, उसमें फ़ायदा होगा। और ये ड्रिप इरिगेशन है जिससे हमारे रूट में जो पानी जाता है वो ड्रिप बाई ड्रिप, ड्रॉप बाई ड्रॉप जाते जाता है, जिसकी वजह से ना हमारे फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये मिक्स क्रॉपिंग है जिसकी वजह से एक बार में ही ना कुछ से एक से ज़्यादा क्रॉप लगाया जाता है, जिससे हमारे फार्मर को बहुत ज़्यादा फायदा है, इससे उनको नुकसान भी नहीं होने वाला है। और एक फर्टिलाइजर होता है जिसे फार्मर लोग कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन वो यूज़ करने लायक नहीं है क्योंकि वो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है ना उसको डिक्रीज करता है। इसलिए हम चाहेंगे कि वो मैन्योर यूज़ करें ताकि उनका जो सॉइल है ना उनका फर्टिलिटी इंक्रीज रहे, मतलब बढ़ावा होते रहे। और उनके जो अंदर मतलब सॉइल जो है ना उसमें क्रॉप का जो मात्रा मतलब होता है ना, मतलब फर्टिलिटी ज़्यादा चाहिए। अच्छा, कितने देर से तैयारी कर रहे थे अपने बनाने के लिए? सर इसे लग गया है 5 दिन। 5 दिन लग गया? यस सर। आप अकेले ही बनाए हैं? यस सर, अकेले। सर आई जो मिशन बनाए दिखाइएगा, देखिए ये बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर आपको, आई जूम करके इधर दिखाइएगा, आइए आप ही बनाए हैं। हाँ ये मैंने बनाया है अपनी पार्टनर के साथ मिलकर, मनु कौशिक। कितने दिन से तैयारी चल रहा था इनको बनाने के लिए? 3 दिन से। 3 दिन से चल रहा था। इनसे क्या फायदा हो सकता है? ये चंद्रयान 3 है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अच्छा। ये सिर्फ एक लूनर मिशन ही नहीं थे बल्कि इसने इंडिया को पहला कंट्री बनाया है। अच्छा। ये मून के साउथ पोल पे। अच्छा, आप बोलिएगा, ये लड़की तेज लग रही है थोड़ा सा, बोलिएगा। वो सर मेन मॉडल जिसको जिसने बनाया है, सब फाइल जिसने प्रिपेयर किया है सर, मेन तो वो है। अच्छा। सर आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग दिस मॉडल। सर इसके द्वारा इंडिया जो है मून के बारे में फैक्ट कलेक्ट करना चाहेगा, जैसे इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बना मून के साउथ रीजन पर लैंड करने से, और इससे जो है इंडिया फोर्थ कंट्री बना मून पे स्मूथ लैंडिंग करने वाला। अच्छा। इससे पहले रशिया, US, चाइना मून पे स्मूथ लैंडिंग कर चुके हैं। सर इसमें इसरो के जो चंद्रयान 3 है इसमें जो है विक्रम लैंडर है और उसमें प्रज्ञान रोवर है। सर ये प्रज्ञान रोवर को ऐसा कमांड किया गया है कि आप जो है मून के साउथ पोल का फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे, जैसे कि उसके जियोलॉजिकल फैक्ट, मिनरोलॉजिकल फैक्ट और एटमोसफेयर के बारे में। और इसको एक स्पेशल कमांड दिया गया है कि अगर आपको वहाँ पर आइस या मून का कोई भी इंडिकेशन मिलता है जिससे कि ये पता चलेगा कि चांद पर लाइफ हुआ करता था या नहीं, तो उसको कलेक्ट करके फौरन ही भेज देने इसरो के रिसर्च सेंटर पे, जहाँ पर वो रिसर्च का इंफॉर्मेशन वहाँ पर जो
फैक्ट कलेक्ट करेगा, वो वहाँ से भेजेगा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम मनु कौशिक है और मैं अपनी पार्टनर रोशनी कुमारी के साथ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, और इसी तरह नाम कमाते रहिए आप लोग। सर 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 वन मिनट सर, डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा दिखाइएगा इधर से। सर एक मिनट सर, इसमें एक मैकेनिज्म है, जैसे कि अगर मैं ये स्विच ऑन करती हूँ तो ये लिफ्ट हो जाता है। वाह क्या बात है। एंड इफ आई क्लोज दिस। अच्छा और चीज का एक ऐसा एक आगो चीज इसमें भी दिखाइए तुम। यस सर, ये वर्किंग मॉडल है। अच्छा थोड़ा सा इधर आइएगा आप लोग, हटिएगा भैया हटिएगा। ये वर्किंग मॉडल है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अच्छा, जो हमारे सर जब ये लिक्विड यहाँ से पास होगा और ये एनएस के थ्रू निकलता है, जो ये बता रहा है कि हम लोग जब फूड लेते हैं तो वो हमारे स्टोमिक से क्रॉस होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हुए और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड आउट हो जाता है एनएस के थ्रू। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये चीज देख को सभी को पॉजिटिव माइंड में आता है, और कहीं ना कहीं छात्रा का स्टूडेंट इस तरह अगर कला दिखाते हैं ये सबसे बड़ी बात है जम्मू के लिए। लेकिन अभी जो है वो येलो होता जा रहा है, इसलिए येलो होता जा रहा है क्योंकि उसके एरिया में जो इंडस्ट्रीज है, और जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं मथुरा ऑयल रिफाइनरी, उसके कारण। आप क्या बनाए बहन जी बताइए। आई हैव मेड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ताजमहल येलो होते जा रहा है। आई एम माहिश्री फ्रॉम टीएनएनएन हेरिटेज स्कूल ऑफ स्टैंडर्ड्स। कितना टाइम लगा ये सब बनाने? ये सब ज्यादा तो नहीं, 3-4 घंटे। 3-4 आवर्स। थोड़ा सा दिखाइएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग से पहले हार्ट में जाता है और हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में, और फिर जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो पूरे बॉडी से पहले हार्ट में आता है और हार्ट से लंग्स तक जाता है। चलिए बहुत सुंदर, ऑल दी बेस्ट। इस तरह आगे जाइए, थोड़ा सा जाइएगा सर, और चीज़ों को दिखाएंगे मित्रों। कहीं ना कहीं ये जमुई में पहला बार लगता है हमें हो रहा है। आप लोग क्या क्या बनाए थोड़ा सा हिंदी में हमारे दर्शक, क्योंकि हिंदी का है। ये हम लोग का एक मॉडर्न सिटी का प्रोजेक्ट है। बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम उमतुलशान, मैं टीआरएन हेरिटेज स्कूल से हूँ, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये हमारा एक मॉडर्न सिटी का प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके अपना जो सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू अपने शहर को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी है। क्योंकि आप आजकल देख सकते हैं, क्योंकि है ना डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट को हटाए जा रहे हैं, जो कि हम लोग के एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर फॉरेस्ट रहेगा तो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहेगा, और जो ऑक्सीजन ओजोन डिप्लीशन है वो भी कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, जिसके कारण से जो ओजोन का जो डिप्लीशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर सर हम लोग ने एक दर्शाने का प्रयास किया सर, एक क्वाड कॉप्टर दिखाने का कोशिश किया आप लोग? नो सर, इट इज़ अ क्वाड कॉप्टर सर, जिसके थ्रू हम लोग सर एयर में सर एयरवेज से पेट्रोलिंग कर सकते हैं सर, जिसके थ्रू अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है सर तो सर ये दोनों जगह सर अलार्म भेजेगा सर, सिक्योरिटी अलर्ट भेजेगा सर, जिसके थ्रू सर है ना तुरंत वो आदमी कुछ दिखा सकते हैं लाइव थोड़ा सा। सर एक्चुअली सर इसको अटैच किया गया सर, ओनली सर इसका फैन चल सकता है सर अभी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, और आगे दिखाते हैं आप सभी दर्शकों को। थोड़ा सा आइएगा आगे, दिखा दीजिए थोड़ा जूम करके। आपका नाम क्या हुआ? ओम तुलशान सर। आप सभी मिलके बनाए? हम लोग चारों मिलके। आप कितने टाइम लगा है? सर 12 घंटे। 12 घंटा सिर्फ? जी सर। तीन तीन दिन का पार करके 12 घंटे में बना दिए भाई साहब। चलिए बहुत बढ़िया है, चलिए इधर आइएगा और दिखाते हैं आप सभी दर्शकों को। आप लोग का कितना टाइम लगा, कौन सा स्कूल से आप लोग? मणिदीप एकेडमी से। मणिदीप से? यस सर। इनको बनाने में कितना टाइम लगा है? 2-3 दिन। 2-3 दिन लगा, मतलब क्या इनसे हो सकता है पॉजिटिव, मतलब कि कुछ बताइएगा इनके बारे में। प्योरिंग केबल के बारे में, इसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं, और उसके बाद फिर ये हमारे कार्बन्स को वगैरह, और फिर इसके बारे में और जानकारी सर भैया देंगे। चलिए आप क्या बनाए बहन जी? अच्छा बताइएगा सर किसके बारे में? इनके बारे में, इनके बारे में। सर ये पीरियोडिक टेबल है जो कि आपको बेसिकली एलिमेंट्स के बारे में बताता है कि आपको अगर कुछ जानना है तो इसी आपको इसको ये चार्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो बनाया गया था तो ये इसका स्टार्टिंग को बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रयास किया था। अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग किया था जॉन डेवर ने, उस टाइम 56 एलिमेंट टोटल एग्जिस्ट करते थे, तो उसी को पढ़ने के लिए उन्होंने एक चार्ट में उस सारे एलिमेंट्स का नाम लिख दिया, और उन्होंने अपना एक रूल दिया जिसके हिसाब से स्टार्टिंग का अगर आप एक एलिमेंट लीजिएगा और दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट लीजिएगा तो अच्छा। दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। अच्छा। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो उनका रूल था वो खराब हो गया, क्योंकि जब कैल्शियम पे आया ना तो ये रूल खत्म हो गया।
तो उनसे इंस्पायर लेके एक दूसरा साइंटिस्ट था, इसका नाम था जॉन न्यूलैंड। अच्छा। उन्होंने सोचा कि जिस तरह हिंदी में 7 सुर होते हैं उस तरह इंग्लिश में 8 सुर होते हैं, उसे ऑक्टेट बोलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने 8 एलिमेंट को लिया और हर एक एलिमेंट को 8 कॉलम में बांटते गए। अच्छा। और कुछ पहले के जैसा ही, इसका भी पहला एलिमेंट और इसका दूसरा कॉलम का पहला एलिमेंट, दोनों का प्रॉपर्टी सेम होगा। लेकिन ये जब सिलिकॉन पे आया तो अच्छा। ये भी खराब हो गया। तो इन दोनों से इंस्पिरेशन लगे जो अभी हम लोग ये जो बनाया गया है, ये जॉन डेनियर के द्वारा बनाया गया है। अच्छा। आई सब जो बनाने में आप सभी मतलब सब ग्रुप का है? आपका ग्रुप क्या? हां मेरे को। आप लोग कौन सा स्कूल से हैं भाई? मणिदीप से। मणिदीप से। हम लोग के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी क्लास उलास में मतलब कि सब सिखाते हैं, तब तो मतलब सिखाते खाते हैं तब तो सर हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम लोग बनाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट सर। हम लोग को मतलब बहुत सारे मतलब करते हैं, हम लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं सर कि इसको बनाना है और फिर हम तो प्रैक्टिस करके बताते हैं तब तो। यस नहीं मतलब चलिए बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपने लाइफ में तो ये सब प्रैक्टिस करके नहीं देख पाए क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से थे और बिहार बोर्ड से थे। आप लोग CBSE बोर्ड से हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप लोग का वर्ड हमें समझ भी नहीं आता, ताकि हमारे दर्शक भी समझ नहीं पाएंगे। कोई कोई ऐसा होगा कि समझ सकेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिहार बोर्ड से जुटे हुए हैं, है कि नहीं। चलिए और चीज़ दिखाएंगे मित्रों, जो कि यहाँ पे जूमी ग्राम महोत्सव में जो कि बनाया गया, आइएगा आप लोग। बाकी इनका तस्वीर और जो मंच बनाया गया है वो चीज़ों को दिखाएंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बाकी तमाम दर्शक जो हमारा वीडियो देखते हैं, आभार मित्रों। ऐसे ही प्यार बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।